झारखंड की उपराजधानी दुमका में शारदीय नवरात्र का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अष्टमी तिथि को आज माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। दुर्गा मंदिर में आज डलिया चढ़ाने की परंपरा रही है। परंपरा के निर्वहन के लिए सुबह से ही धर्म स्थान मंदिर सहित तमाम दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुख शांति और समृद्धि की कामना लिए श्रद्धालु माँ की आराधना कर रहे हैं। दुमका के जेल रोड स्थित 151 वर्ष पुराना दुर्गा स्थान मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी है। यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र माना जाता है। श्रद्धालु माँ की आराधना के लिए यहाँ जरूर आते हैं। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु माँ दुर्गा को डलिया पुष्प और फल चढ़ाकर पूजा करते हैं। दुर्गा स्थान मंदिर पूजा समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयारियां की गई है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। इसके बावजूद चेन चुराने वाले गिरोह सक्रिय है। दो महिला श्रद्धालु ने गले से सोने का चेन चोरी होने की सूचना नगर थाना को दी है। सूत्रों की माने तो लगभग आधा दर्जन महिलाओं के गले से चेन की चोरी हो चुकी है। नगर थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा कि दो महिलाओं द्वारा चेन चोरी की मौखिक सूचना दी गई है। इस मामले में दो संदिग्ध महिला को हिरासत में भी लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद चेन चोरी की घटना पर अंकुश जरूर लगा है, लेकिन चोरी हुए चेन की रिकवरी नहीं हो पाई है।